बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कारनामे अजीबो गरीब होते हैं। ये सासाराम के शिवसागर स्थित श्री दुर्गा प्लस टू स्कूल के छात्र छात्राएं हैं। ये लोग काफी परेशान हैं। इनकी परेशानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की लापरवाही बताई जा रही है। सिर्फ एक विद्यालय के ही 80 छात्र छात्राओं के सब्जेक्ट तथा लिंग में गड़बड़ी कर दी गई है। अब तो उर्दू का एक शब्द ना जानता हो उसके एडमिट कार्ड में हिंदी की जगह उर्दू आ गई है। आश्चर्य तो तब हुआ जब कई छात्रों के एडमिट कार्ड में हिंदी की जगह बंगाली अंकित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई छात्राएं तो कहती हैं कि वो लड़की है, लेकिन प्रवेश पत्र में उनका लिंग बदल कर लड़का बताया जा रहा है। कई एडमिट कार्ड में हिंदी के छात्रों को उर्दू, बांग्ला और फारसी के विषय में परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। इसी 3 फरवरी से इंटर की परीक्षा है, 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा होनी है। अब सवाल उठता है कि परीक्षा के 2-3 दिन शेष हैं, विभाग कब इसमें सुधार करेगी? ऐसे में छात्र छात्राओं के सामने भविष्य को लेकर संकट खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि इन सब को लेकर स्कूल प्रबंधन भी काफी परेशान है। एक तरफ छात्र छात्राओं और अभिभावकों का दबाव, वहीं दूसरी ओर परीक्षा समिति सुनने को तैयार नहीं है। ये मामला सिर्फ एक ही विद्यालय का नहीं है, सभी जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। श्री दुर्गा प्लस टू स्कूल शिवसागर की प्रभारी प्राचार्य अमृता धीर कहती हैं कि उन्होंने इस सुधार के लिए परीक्षा समिति के कार्यालय में विशेष कर्मचारी को भी भेजा है। विभाग के बड़े अधिकारियों से लेकर परीक्षा नियंत्रक तक को लिखा जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब ऐसे में चंद दिनों के बाद शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर छात्र ही नहीं, विद्यालय प्रबंधन भी उहापोह की स्थिति में है। विद्यालय के छात्र छात्राओं का डमी सुधार के बाद भी एडमिट कार्ड में गलतियां आ गई है। उसमें हिंदी वाले का कहीं फारसी हो गया है, बांग्ला हो गया है, कहीं उर्दू हो गया है। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, साथ में अभिभावक भी परेशान है और हम लोग भी परेशानी में फंस रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जवाब देना पड़ रहा है। हम लोग को कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग के स्तर से सारा चीज ठीक है और डमी के तो प्रूफ है हमारे पास, डमी की सब सही है। हम लोग बोर्ड ऑफिस में भी बात किए, परीक्षा कंट्रोल विभाग में, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमारे डीओ साहब से भी बात किए, डीओ साहब बोले कि आप आवेदन दीजिए, उसको हम लोग अपने स्तर से फैक्स वैक्स करेंगे। तो वहाँ से कुछ हम लोग को आशा मिली है, देखते हैं कि डीओ साहब कहाँ तक हम लोग को पहुँचा पाते हैं या फिर हमारे बच्चों को कितने इसमें आसानी से काम हो सकता है। सारे लोग का भविष्य अंधकार दिख रहा है। हम लोग का एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट बहुत सारा गलती हो चुका है, जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी था, उसमें उर्दू हो चुका है। और हम मेरे तरह बहुत सारे स्टूडेंट का, किसी का मतलब हर सब्जेक्ट में बदलाव आ चुका है। और हम लोग का 3 तारीख से एग्जाम है, हम लोग कैसे देंगे? मैं तो उर्दू बिल्कुल भी जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे लिखूंगी? कृपया करके बोर्ड ऑफिस से मैं यही निवेदन के साथ यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग का जल्द से जल्द सुधार किया जाए। श्री दुर्गा हाई स्कूल, मैं उच्च विद्यालय शिवसागर से हूँ और हम लोग का एडमिट कार्ड गलत हो गया है, जिसके चलते हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का एडमिट कार्ड दोबारा सुधार कर आया जाए, क्योंकि हम लोग की लिटरेचर के जगह इंग्लिश की जगह उर्दू हो गया है और मैथ की जगह बायो, और मेरा ही नहीं और स्टूडेंट का हुआ है।